जिना साहब का जो नजरिया था इस्लाम की तरफ वो बहुत फर्क था। अब बहुत से लोग हैं जो इस्लाम को फर्क तरीके से पेश करते हैं। जहां तक जिना का सवाल था, जिना साहब समझते थे कि गैर जानबदाराना माहौल एक जरूरी चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, ये ना भूलिया। उनको मालूम था कि मॉडर्न नेशन स्टेट एक्सटेंड करता है इक्वल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसमें अगर मजहब का दखल आ गया तो हर चीज मुसीबत में पड़ जाएगी। मगर ये कहना कि वो मजहब के बिल्कुल ही खिलाफ थे, बिल्कुल गलत है। उनका पॉइंट था कि किसी तरीके से कोई ऐसा मसला ना आए स्टेट के पास जो उनको किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजियस ग्रुप को तकलीफ किसी तरीके से पहुंचे। वो गैर जानबदाराना माहौल चाहते थे उसके लिए। तो उसमें मजहब की जगह थी, मगर नॉट इफ इट मेंट कि किसी के साथ बुरा सलूक किया जाए मजहब की वजह से। दैट इज अंडरमाइनिंग द न्यूट्रलिटी इशू। सो जहां तक उलमा का सवाल है, उन्होंने तो उसको गलत तरीके से ही देखा, बिकॉज वो मजहब को जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं ऑल प्रिवेसिव, और जब जरा आप उनसे उनसे पूछें कि इसकी स्पेसिफिसिटीज क्या हैं, तो फिर वो वेगनेस में आ जाते हैं। मजहब का मतलब, मैं ये समझती हूँ कि मजहब का इतना इस्तेमाल किया जाता है, मगर आप बात क्या कर रहे हैं? ये मजहब तो खुदा के साथ एक रिश्ता है इंसान का। तो जब आप दुनिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज मजहबी है और क्या चीज नहीं है, ये बहुत अहम चीज है। और मैं समझती हूँ कि जो लोगों ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, सब कुछ ही मजहब है। कि आई थिंक जो कंफ्यूजन जो बहुत लोगों में आती है ना, जो ये कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, मतलब पाकिस्तान एक मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे बना। अब जिना साहब ने जो केस लड़ा था पाकिस्तान बनाने के लिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, मगर उसकी जगह कोई और कम्युनिटी का भी आप नाम डाल दें तो केस उन्होंने वैसा ही लड़ना था। तो इट हैपेंस टू बी द केस कि वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मगर वो एक कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने केस लड़ा था। तो वो एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट था कि इस कम्युनिटी को जगह चाहिए, लेट लोन किस रिलीजन को जगह जगह चाहिए। तो वो जो एक जो डिस्टिंक्शन, एंड अगेन जिना वाज अ लॉयर, ही वाज मेकिंग दिस वेरी फाइन डिस्टिंक्शन कि मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एक रिलीजन की नहीं बात 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 कर रहा। और इसीलिए जो प्रोफेसर जलाल ने भी मेंशन किया कि उनका तो झगड़ा जो था वो जो उलमा थे उनके साथ बहुत बहुत पुराना था। और इसके साथ साथ जब वो बात करी थी तो मुझे याद आया कि उन्होंने पाकिस्तान बने से कुछ हफ्ते पहले जुलाई 47 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया था टू पॉलियर्स वीकली। तो उसके अंदर उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपका पर्दा के बारे में क्या ख्याल है। तो जिना साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, जो कि विच शोज यू हिज थिंकिंग अबाउट इस्लाम। एंड ही सेड कि जी ये तो पर्दा तो पुराने जमाने की बात थी, जब कोई बादशाह एक लड़की को अगर देख लेता था, पसंद करता था, उसको अगवा कर लेता था, बट अब तो डेमोक्रेसी आ गई है, अब इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर पर्दे की तो जरूरत भी नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि पर्दा इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे आउट। सो ही वॉज अ वेरी मॉडर्न थिंकर। मतलब अभी प्रोफेसर फैसल देवजी से कुछ हफ्ते पहले बात हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि जिना डिड नॉट लुक एट द पास्ट, जिना ऑलवेज लुक एट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, एंड फॉर जिना द पाकिस्तान वॉज द कंट्री दैट काइंड ऑफ मूव्ड अहेड। तो उनका इस्लाम के बारे में भी एक बड़ा मॉडर्न किस्म का कॉन्सेप्ट था कि दिस इज अ वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ रिलीजन, दिस इज अ वेरी इनलाइटेड काइंड ऑफ रिलीजन। उन्होंने पर्दा का देखे 47 जुलाई 47 में ऐसी बात की कि जी पर्दा तो इट्स ऑन इट्स वे आउट और इसको चले जाना चाहिए, बिकॉज मॉडर्न जमाने में तो पर्दे की कोई वैल्यू नहीं रहती, पुराने जमाने में तो देयर वर प्रैक्टिकल इश्यूज विद दिस। सो ही वाज अ वेरी मॉडर्न थिंकर, एंड आई थिंक अक्सर इन डिबेट्स में वी काइंड ऑफ फॉरगेट। अब पाकिस्तान में ये क्यों आया, मेरी निगाह के अंदर मेजर ये रीजन है कि जिना जस्ट डाइड अ ईयर आफ्टरवर्ड्स। I think that was the real big problem. क्योंकि आप इंडिया में, for example, देखें, even though Gandhi died, before Jinnah, but they had Nehru for decades. और Nehru ने एक direction दी जो कि अब आके खत्म हुई है, मतलब क्या Nehru के बाद ही थोड़ी सी जरा unravel होना शुरू हो गई थी। And even during Nehru's time, obviously he was an idealist, पता कुछ नहीं, मगर एक veneer तो बन गया था, एक थोड़ा सा Indian secularism की थोड़ी बहुत कहानी जो 19-20% है वो बन गई थी, मे बी 50% तक पहुंच गई थी, तो वो अब आके क्लियरली अब रिसीव हो रही है। जिना साहब की नजर माजी पे इतनी नहीं थी जितनी हाल और मुस्तकबिल के हवाले से थी। तो उससे जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि जिना साहब की नज़र में पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम बनना था, एक दस्तूर साज असेंबली के वो सदर मुंतखब हुए 11 अगस्त को, और साथ ही वो गवर्नर जनरल बन गए। अगर इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम चलना था तो पार्लिमानी निज़ाम में तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और ताकत वज़ीर आज़म के ओहदे में होती है,
भारत में तो नेहरू साहब ने वजीर आजम बनना पसंद किया, तो जिन्ना साहब जो है वो गवर्नर जनरल क्यों बने, और फिर उस उदय की ताकत के बुनियाद पे आगे चल के हमने देखा कि गुलाम अहमद ने पहले वजीर आजम को चलता किया, फिर बाद में फिर दस्तूर साज असेंबली का जो हशर हुआ वो आपने देखा, तो ये क्या फोरसाइट थी जिना साहब की? देखिए, मैंने इसके ऊपर एक मजमून लिखा था, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जिना ने बहुत बड़ी गलती की गवर्नर जनरलशिप खुद लेने की, उनको चाहिए था कि माउंट बैटन को देते, मगर माउंट बैटन को कांग्रेस ने दावत दी थी कि आप गवर्नर जनरल बने, अगर माउंट बैटन गवर्नर जनरल पाकिस्तान के भी होते और हिंदुस्तान के भी होते तो फिर वो क्या करते अगर उनको इख्तलाफी एडवाइस मिलती, जिसमें इख्तलाफ होता। तो मैं समझती हूँ कि जिना साहब ने बहुत दूरंदेशी दिखाई, उनको मालूम था कि अगर ये नया मुल्क जो बन रहा है जिसका एक मरकजी नहीं है, फौज तो क्या, फौज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या गवर्नर जनरलशिप अलग रखकर ही उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कुछ उसको बेसिस दिया? अगर माउंट बैटन रहता तो फिर क्या बनता? आप इसके बारे में आप लोगों ने तवज्जो की है? लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा होता क्योंकि माउंट बैटन बहुत ही इवन हैंडेड आदमी था, और वो हम जानते हैं कि उनकी वो कहाँ बात बनती है कि माउंट बैटन कहाँ तक इवन हैंडेड थे, गैर जानबदार थे। मैं समझती हूँ कि इस वजह से जिना साहब बने, मगर एक और बात जो मैं समझती हूँ कि बहुत जो आपके जो हमारे मुल्क में जो हैं तज्जिया निगार और जो जिनमें जमहूरियत की बहुत ही ज्यादा ही कुछ ज्यादा स्पिरिट है, वो कहते हैं कि जिना ने ये बहुत बड़ी गलती की, मुल्क को तबाह कर दिया गवर्नर जनरल बन के, फिर उसने फ्रंटियर में ये किया। देखिए, ये जो फर्क होता है जब स्टेट कंसोलिडेशन जिस तरीके से पाकिस्तान बना, जो स्टेट कंसोलिडेशन किस मुश्किल से बना, तो मैं समझती हूँ कि जिना ना होता तो ये कलेप्स हो जाता, ये वापस, और कांग्रेस का यही उम्मीद थी कि ये चलेगा नहीं, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। तो अगर जिना साहब की गवर्नर जनरलशिप का किस्सा ना होता तो पाकिस्तान शायद ना रहता। क्या ये मुमकिन ना था कि जिना साहब वजीर आजम बनते और किसी को भी गवर्नर जनरल बनाते और दस्तूर साज असेंबली में कोई ऐसी तरमीम होती कि गवर्नर जनरल के पास ये अख्तियार ना होता कि वो असेंबली की छुट्टी कर लेते? जिना साहब का जहां तक मुझे याद है, और जो मैं याकूब मुझे याद कराओ, वो उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम लीग की सदारत नहीं लूंगा क्योंकि ये एक मुसलमान पार्टी है और मैं सारी उम्र मैंने अपनी जिंदगी माइनॉरिटीज के लिए काम किया है, तो मैं उसकी वो नहीं लूंगा मुस्लिम लीग की। कहाँ तक वो रोल उसमें प्ले किया गया वजीर आजम का, मगर मैं समझती हूँ कि वो बनना चाहते थे एक सुप्रा सॉर्ट ऑफ पावर जो मुसलमानों को जो इतने क्योंकि इतने इख्तलाफात थे, और वो ये इख्तलाफात पाकिस्तान के बनने के बाद नहीं शुरू हुए, पहले से थे। ये भी एक गलतफहमी है बहुत से लोगों की कि ये पाकिस्तान बनने के बाद, हम बड़े मुत्तहिद थे, पाकिस्तान जैसे ही बना तबाह हो गया। ये बिल्कुल गलत है। तो बेचारे जिना साहब कोशिश करते थे कि सबको एक इवन कील पे रखें, इसलिए वो गवर्नर जनरलशिप उन्होंने खुद रखी अपने हाथ में और लियाकत साहब को दिया। जी बिल्कुल, फर्स्ट तो आई फुली अग्री विद व्हाट प्रोफेसर जलाल सेड अबाउट के जिना को क्यों बनना चाहिए था गवर्नर जनरल, एंड फुली अग्री के अगर जिना गवर्नर जनरल ना बनते तो द कंट्री वुड हैव फॉलन अपार्ट प्रीटी फास्ट। ये तो मेरे ख्याल में दैट्स अ फोरगोन कंक्लूजन, बिकॉज उनके अलावा देयर वाज नो रियल यूनाइटिंग फैक्टर देयर। तो आई थिंक वो था, एंड माउंटबेटन वुड हैव बीन अ डिजास्टर, मतलब सिंपल डिजास्टर।